मामला सुपौल जिले के त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय अंतर्गत लतोणा दक्षिण पंचायत के वार्ड नंबर 4 का है। ग्रामीणों ने बताया, लतोणा दक्षिण पंचायत के वार्ड नंबर 4 का रहने वाला मिथिलेश साहा उम्र करीब 25 वर्षीय है, जो अपने घर पर ही छोटा सा किराना दुकान चलाता है। सुबह के समय 3 अपराधियों ने किराना दुकानदार मिथिलेश शाह से रजनीगंधा तुलसी उधारी मांगी। उधारी देने से मना करने पर अपराधियों ने मिथिलेश शाह को छाती में गोली मार दी। ग्रामीणों द्वारा मिथिलेश शाह को त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल इलाज के लिए लाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही दम तोड़ दिया। वहीं गुस्साए ग्रामीणों ने त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय मुख्यालय स्थित मुख्य बाजार NH 327E सुपौल अररिया मुख्य सड़क मार्ग को करीब 3 घंटे जाम किया। वहीं बाजार के सभी दुकानों को भी बंद कर दिया, यहां तक कि दवाई दुकान भी बंद करा दी। बाद में SDM SZ हसन और SDPO गणपति ठाकुर ने सभी ग्रामीण और गणमान्य व्यक्ति को समझा बुझाकर जल्द सरकारी लाभ देने का आश्वासन देते हुए जल्द अपराधी को गिरफ्तार किया जाएगा। सोनलाल यादव के लिए स्टेटमेंट। क्या हुआ सर, दवाई दुकान में दवाई नहीं मिल रहा? हाँ, दवाई मिल रहा है भाई, दवाई दुकान बंद होना चाहिए। आज तक त्रिवेणीगंज में हड़ताल हुआ, दवाई दुकान बंद नहीं हुआ, लेकिन दवाई दुकान बंद करना तो अन्याय है। आदमी मरेगा और चीज से मरे या नहीं मरे, लेकिन दवाई से तो मरेगा। दवाई दुकान बंद नहीं होनी चाहिए। सर, यह क्या मामला था? अभी रोड जाम हुआ 2-3 घंटा। आज सुबह 10 बजे की घटना है कि एक परचुनिया दुकानदार और खरीदने वाले उनके ग्राहक के बीच में पूर्व का कुछ हिसाब किताब का भी लेन देन जैसा बताया जा रहा है, और वो आदमी अपराधी प्रवृत्ति का था। वो मधेपुरा जिला के बगला गांव का रहने वाला है। कल शाम में कुछ लड़ाई हुई थी, बातचीत उधारी बाकी था दुकानदार का। वह सुबह आया और उस पर उसको गोली मार दिया। उसको ले करके लोगों के द्वारा यहाँ पे बाज़ार में सड़क जाम वगैरह किया गया था। सभी लोगों को समझा बुझा दिया गया है। पोस्टमार्टम के लिए बड़ी को भेज दिया गया है सदर अस्पताल, और अब माँ वो चिन्हित हो चुके हैं अपराधी, और उस पर हम लोग कड़ी कार्रवाई करेंगे। उस दिशा में पुलिस अपना काम शुरू कर दिया। मतलब तीनों क्या अपराधी थे सर? बताया जा रहा है कि एक के द्वारा गोली मारी गई है जी, और कुछ लोग बता रहे हैं उनके साथ 2 लोग थे, और उनके घर पे आकर के उनके साथ ऐसा घटना किया गया, लेकिन वो उनका आना जाना उस दुकान में पहले से भी था। तीनों की पहचान हो गई है? हाँ, उनकी पहचान हो गई है। जो एक मारने वाले हैं उनको परिवार के लोग, गांव के लोग जो उनके हैं, वो बता रहे हैं कि वो फलाने व्यक्ति हैं। उनकी पहचान हो गई, और प्लस साक्ष्य भी है, CCTV इत्यादि भी हैं, मोबाइल फ़ोन वगैरह भी छूटा है, तो उस हिसाब से वो चिन्हित हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब पुलिस को कार्रवाई करनी है, क्योंकि मधेपुरा जिला के साथ है, इसलिए उसको भी लाजनी में लेते हुए हम लोग शंकरपुर को उस पर कार्रवाई करेंगे। सर, आपका? मेरा नाम रविंद्र कुमार हुआ। कहाँ कर रहे हैं? मतकुरिया कसाब वार्ड नंबर 4। आप लोग रोड जाम क्या किए हैं? रोड जाम किया है पुलिस प्रशासन के खिलाफ। हम लोग जो है जाम किए हैं। पुलिस प्रशासन जो है आम आदमी का जो है बात नहीं सुनता, इस खिलाफ जो है हम लोग जाम किए हैं। क्या हुआ अभी? उनका जो है हत्या कर दिया गया, गोली मार दिया गया। किसका? उस लड़के का नाम है मिथिलेश कुमार, पिता का नाम है कपिल देव साह। कहाँ का है ये? मटकुरिया वार्ड नंबर 4 का है। और हम लोग जो है पुलिस को बार बार फोन किया कि भाई मोटरसाइकिल से भागा है, आप उनको टेक ओवर कीजिए, लेकिन पुलिस वाला को कहीं भी जो है जांच जो है करने के लिए कार्य सघन जांच का जो है कोई नहीं निकाला। गोली जो मारा है उसका मौत कहाँ पर हुआ? हॉस्पिटल में कि वहीं पर? मौत तो वहीं लग मर गया, छोटे पर, घटना स्थल पर। सर, यहाँ जाम लगल था, क्या मामला था? ये मटकुरिया में मिथिलेश कुमार शाह हैं, उनको कोई आपसी लेन देन का मामला है या जो भी मामला, उससे गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें 3 अपराधकर्मियों के शामिल होने की बात है। एक अपराधकर्मी का नाम सामने आ गया है और सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। जो भी इसमें शामिल है उनको जल्द गिरफ्तार करके ये भी समझ कार्रवाई होगी वो कर। अच्छा, ये सर क्या नाम है उसका, मालूम चला क्या? नाम नहीं बताया। मैटर क्या था सर? बताएं, अभी आपसी मतभेद की बात है, कुछ लेन देन का मामला था। कुछ लोग कह रहा था पुरिया का खाने के लिए, पुरिया नहीं हुआ ना, पुरिया का पैसा नहीं गया होगा तो उसी में हुआ होगा।